हेलो वेलकम अगेन आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज आर कैनाल रीज तो प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे दैट इज़ इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई बाय कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट तो ये हमने पढ़ लिया पिछली वीडियो में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और वीडियो को अटैच कर दूंगा एंड में आप वहाँ से देख लेना तो जैसे कैथोड रे की डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई तो इस एक्सपेरिमेंट को बहुत सारे लोगों ने यूज़ किया फॉर न्यू डिस्कवरीज उनमें से एक थे ई e गोल्ड इन्होंने यूज किया इस एक्सपेरिमेंट को और प्रोटॉन को डिस्कवर किया प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्ड इन 1886 ई e गोल्ड ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को एनोड रेस को कैनाल को ही मॉडिफाइड द कैथोड रेड डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को तो क्या मॉडिफिकेशन की सिर्फ एक चेंज किया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड परफोरेटेड था यहाँ पे कैथोड परफोरेटेड लिया गया मीन जो कैथोड प्लेट है उसमें छेद हैं होल्स तो ये हुआ परफोरेटेड कैथोड तो इसमें सेटअप क्या है ग्लास ट्यूब है डिस्चार्ज ट्यूब इसमें गैस रखी है कोई भी एट वेरी लो प्रेशर वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है टू मेंटेन लो प्रेशर परफोरेटेड कैथोड के, के पीछे फ्लोरिसेंट स्क्रीन लगाई है इनसाइड द ग्लास और कैथोड और एनोड को कनेक्ट किया है टू वेरी हाई वोल्टेज टेन थाउजेंड वोल्ट तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है तो एनोड से एनोड वाली साइड से कुछ पार्टिकल्स रेस निकलना शुरू हो जाती है एमिट होती है और कैथोड की तरफ आती हैं और कैथोड के बीच में होल्स हैं उनसे पास होकर स्क्रीन पे टकराती है फ्लोर स्क्रीन पे कुछ पार्टिकल जो हैं रेज हैं ऑब्जार्व हो जाती हैं कैथोड के अंदर और कुछ पास होके स्क्रीन पे हिट करती हैं और जहाँ पे हिट करती हैं वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता है चमक प्रोड्यूस होती है स्पार्क प्रोड्यूस होता है उसे ये पता चलता है कि कुछ पार्टिकल्स रेज प्रोड्यूस हो रही हैं एनोड से और अट्रैक्ट होती हैं टू वर्ड कैथोड तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव चार्ज की तरफ पॉजिटिव चार्ज ही अट्रैक्ट होगा तो ये रेज जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होंगी इन रेस को बोला गया एनोड रेस क्योंकि एनोड वाली साइड से आ रही हैं और कैनाल रेस तो कैनाल रेस क्यों बोलते हैं क्योंकि कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कैथोड से स्टीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी टू वर्ड एनोड इनको बोलते हैं कैथोड रेस तो इनके बीच से जो पास हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में एनोड रेज तो ये कैनाल बन रही हैं कैथोड रेज के बीच में और यहाँ पे पास हो रही है टू द कैथोड तो ये होल्स बन रहे हैं कैनाल्स बन रही हैं है, इन इसलिए इनको बोलते हैं कैनाल रेज आर चैनल रेज तो ये था एक्सपेरिमेंटल सेटअप अब ऑब्जर्वेशन क्या थी ई गोल्ड स्टैंड की नेचर ऑफ़ कैनाल रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज तो जो कैनाल रेस एनोड रेस प्रोड्यूस हो रही है उनका नेचर डिपेंड करता था गैस कौन सी ली है और दूसरा क्या है ये आल्सो ऑब्जर्व दैट चार्ज टू मास रेशो ईएम रेशो आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस तो जो गैस ली जा रही थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उस पर डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ़ एनोड रे प्रोड्यूस्ड तो जैसे गैसेस चेंज कर रहे थे जैसे हीलियम गैस ली तो कुछ और आया न्योन गैस ली तो उसमें चेंज आया नेचर में इसी तरह से ऑक्सीजन गैस है नाइट्रोजन गैस है हाइड्रोजन गैस तो इस तरह से ये ऑब्जर्वेशन हुई कि जो गैसेस हैं उनके इलेक्ट्रॉन को जो कैथोड है उनके इलेक्ट्रॉन बीम जो है इलेक्ट्रॉन को स्ट्रक आउट कर रही है नाकआउट कर रही है उससे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है तो ये न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज ये शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जैसे ही कैथोड रेस से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है हिट कर रही है इलेक्ट्रॉन को और इसको नाकआउट कर रही है रिमूव कर रही है इलेक्ट्रॉन को एटम से तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है गैसज एटम से तो पीछे पॉजिटिव चार्ज बचता है तो जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन जाने से तो वो जो गैसेस पार्टिकल थे वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएंगे इन साइड द ट्यूब तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है आयन्स हैं ये अट्रैक्ट होंगे टूवर्ड नेगेटिव कैथोड तो यही मूव कर रहे हैं इन साइड द डिस्चार्ज तो इस तरह से सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज डिस्कवर करना था सब एटॉमिक पार्टिकल क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो चुका था सबसे छोटा नेगेटिव पार्टिकल तो इन्होंने क्या किया ये गोल्डस्टेन सबसे छोटा एलिमेंट लिया सबसे छोटा एलिमेंट जो है हाइड्रोजन है और गैस फॉर्म है तो हाइड्रोजन गैस ली डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन है और मास नंबर भी वन है तो हाइड्रोजन का जो एटम होगा न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अराउंड फर्स्ट शेल में सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के केस में तो जैसे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलती है कैथोड रे से इसको हिट करती है और इसको निकाल देती है तो इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं बचता हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रह जाता है तो इसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज हाइड्रोजन गैस की वजह से वो रह जाते हैं अंदर और वो मूव करना शुरू कर देते हैं टू वर्ड कैथो तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है गैसेस आइंस तो हाइड्रोजन गैस यूज की तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एक्स्ट्रा ना ही न्यूट्रॉन है क्योंकि इसका मास नंबर वन है तो वो प्रोटॉन की वजह से ही होता है तो वो अट्रैक्ट हुआ टू वर्ड कैथोड्स तो इस तरह से डिस्कवरी हुई प्रोटॉन की हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस वूज टू डिस्कवर प्रोटॉन दैट इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल तो प्रोटॉन जो है सबसे छोटा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ये डिस्कवर होगा तो आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस आर कैनाल रेस आर प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है एनोड रेस आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ये हमने देख लिया देज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया स्लिट्स बनाए गए लॉन्ग स्लिट्स और उनके थ्रू ये पास की गई एनोड रेस तो ये हिट की स्क्रीन पे एट स्ट्रेट लाइन तो डिफ्लेक्शन नहीं किया इनने मीनस स्कैटरिंग नहीं हुई सीधे एक सिंगल पॉइंट पे स्ट्राइक की वहाँ पे ही स्पार्क आया इसलिए ये मान लिया गया ये ऑब्जर्व किया कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते नेक्स्ट प्रॉपर्टी है थर्ड दे मूव फ्रॉम एनोड टू वर्ड कैथोड तो ये एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रही है so, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये डिफ्लेक्ट होंगे क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दे आर इनविजिबल बट प्रोड्यूस ग्लो एन दे स्ट्राइक फ्लोरिस और फास्ट मटेरियल्स तो ये इनविजिबल हैं लेकिन जब इनको स्ट्राइक किया जाता है फ्लोरिसेंट और फास्ट स्क्रीन पे तो ये ग्लो प्रोड्यूस करते हैं चमक प्रोड्यूस करते हैं ये भी हमने देखा एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड नेगेटिव चार्ज प्लेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं बिकॉज एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल काल्ड प्रोटॉन तो जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है ये पॉजिटिव प्लेट है इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये नेगेटिव प्लेट है तो ये जो रेज निकल रही है एनोड रेज ये डिफ्लेक्ट होती है टू नेगेटिव प्लेट नेगेटिव नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ क्योंकि ये खुद में पॉजिटिवली चार्ज है एनोड थे. एनोड रेस आर ऑबेंड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैस एटम इन द डिस्चार्ज तो ये हमने देखा गैसोज आइटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है और पीछे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बचता है इलेक्ट्रॉन की बीम जब हिट करती है इस चार जान प्रोटॉन ये ई टू एम रेशो चार्ज टू मास रेशो से कैलकुलेट किया गया जो जे जे थॉम्सन ने किया था एक्सपेरिमेंट तो चार जान प्रोटॉन और मास ऑन प्रोटॉन क्या क्या निकला चार जान प्रोटॉन निकला वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिज पावर माइनस नाइनटीन को लो तो मास ऑफ प्रोटॉन निकला ई e एम रेशो से चार टू तो मास रेशो से वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रिज पावर माइनस ट्वेंटी सेवन किलोग्राम तो जो चार जान इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा है तो वो क्या आया था चार जान इलेक्ट्रॉन था वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रिज पावर माइनस नाइन्टीन को लो तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम है मींस मैग्नीट्यूड सेम है दोनों के सिर्फ साइंस अलग गए पॉजिटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज तो मैग्नीट्यूड सेम है चार्जेस अपोजिट है साइंस अपोजिट है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था नाइन पॉइंट एलेवन इंटू टेन पावर माइनस थर्टी वन के जी तो ये मास है इलेक्ट्रॉन का तो मास ऑफ प्रोटॉन है वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रिज पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी तो इसमें मास जो है मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है क्योंकि इसकी पावर जो है नेगेटिव में तो जितनी कम पावर होती है उतना ज़्यादा वैल्यू होगी तो इसमें माइनस थर्टी वन है मीन्स वन पॉइंट सिक्स सेवन को डिवाइड करना है वन के साथ ट्वेंटी सेवन जीरो लगाने हैं यहाँ पे नाइन पॉइंट वन को डिवाइड करना है वन के साथ थर्टी वन ज़ीरो लगाने तो ये वैल्यू कम आएगी तो मास ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना ज़्यादा होता है टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली एटीन हंड्रेड फोर्टी टाइम हैवियर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एटीन हंड्रेड फोटीन टाइम्स जो है ज़्यादा है मास ऑफ प्रोटॉन देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये इम्पोर्टेंट है मास ऑफ प्रोटॉन कितना ज़्यादा हैवियर है एटीन हंड्रेड फोर्टी टाइम अप्रॉक्सीमेटली तो ये थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन डिस्कवरी ऑफ एनोड रेस और कैनल रेस भी बोलते हैं इनको तो ये कंप्लीट हुआ आज तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स थैंक यू